के द्वारा नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर सटे मोहल्ले में रात्रिकालीन चलाया गया अभियान, करवाया गया सफाई व फॉगिंग। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के अवसर पर एकात्म मानव दर्शन पर एक संपूर्ण विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष जी ने कहा, पंडित दीनदयाल का विचार है भारत का विचार, सभी को उनके बारे में चाहिए जानना। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह महोत्सव का एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया आयोजन। पोषक तत्वों से बने अनाजों की लगाई गई प्रदर्शनी। मुख्य अतिथि सदर रवि किशन ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण, कहा पोषक तत्वों से बने अनाज सभी को चाहिए खाना, नहीं होता है कैंसर। रामगढ़ताल में चलने वाला 3 मंजिला क्रूज बनकर तैयार, 150 लोग एक साथ बैठकर कर सकेंगे ताल में पार्टी व शादी, अगले सप्ताह में किया जाएगा ट्रायल, क्रूज के मालिक राजकुमार राय ने दी जानकारी। नगर निगम के नए सदन भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्मासिस्ट दिवस का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ, फार्मासिस्टों को दी शुभकामनाएं। बाबरी फिरकी और फैशन कनेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में महानगर के एक निजी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। विभिन्न राज्यों से आए हुए लगाए जाएंगे 47 स्टॉल, एक ही छत के नीचे कर सकेंगे सभी प्रकार की खरीदारी। अपराध करने वालों की नकेल कसने के लिए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने चलाई विशेष कार्रवाई अभियान। जालसाजी, लूट, हत्या, चोरी जैसे जघन्य अपराध करने वाले बदमाशों को गिरोह बंद करने की गई कार्रवाई। सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए लोगों के पास फर्जी पुलिस अधिकारी बन आ रहे धमकी भरे फोन, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, गोरखपुर पुलिस से करें संपर्क, साइबर ठगी का ना हो शिकार। गोरखपुर में डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ती जा रही संख्या, जनपद में 60 केस की CMO ने की पुष्टि, कहा डेंगू से बचाव का स्वच्छता एकमात्र है उपाय। गणेश चतुर्थी व बराफात त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दिए निर्देश, कहा सभी थाना प्रभारी और बीट पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में रहेंगे भ्रमणशील, ड्रोन व CCTV कैमरे से की जाएगी निगरानी। पार्षद के साथ अभद्रता पर लंबबंद हुए पार्षदगण, नगर आयुक्त व मेयर से मिलकर दर्ज कराई शिकायत, महापौर ने अधिकारी पर 24 घंटे में कार्रवाई करने का दिया निर्देश। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज, मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रम पे। नगर निगम के द्वारा नगर आयुक्त गौरव सिंह के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर के पीछे मोहल्ले में रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम के द्वारा शहर के जो 12 वार्ड हैं, वहां पर रात्रिकालीन सफाई व डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर का इंदिरा बाल विहार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर रात्रिकालीन सफाई की जाती है, जहां पर रात्र में भीड़ ज्यादा होती है। हम लोगों का प्रयास है कि शहर के जो मुख्य मार्केट हैं, वहां पर गंदगी ना होने पाए। वहां पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां जा रही हैं, इसलिए गीला कूड़ा अलग व सूखा कूड़ा अलग रखें, शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में नगर निगम की मदद करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि नगर निगम के द्वारा शहर के लगभग 12 मेन जो कमर्शियल मार्केट है, उसमें रात्रिकालीन सफाई और कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। शहर के मुख्य मार्गों पे जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, चाहे वो गोलघर का हो, इंदिरा बाल विहार हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहाँ पे रात्रिकालीन सफाई की जाती है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर के एरिया में भी ये व्यवस्था चालू है और रात्रिकालीन में हम ये देखते हैं कि शहर में जितने भी व्यस्ततम मार्केट्स हैं, उन सब में गंदगी ना होने पाए, दुकानदार सब अपना कूड़ा नगर निगम की जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हीं में डालें, और जो इधर उधर गंदगी मिलती है तो चालान भी करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं
कि अधिक से अधिक लोग अपने घर का कूड़ा डस्टबिन में रखें और डस्टबिन के द्वारा नगर निगम की गाड़ियों में डालें, गीला कूड़ा अलग रखें, सूखा कूड़ा अलग रखें और शहर को साफ और स्वच्छ रूप से रखने में मदद दें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के अवसर पर एकात्म मानव दर्शन एक संपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक सुभाष जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना है। उनका विचार भारत का विचार है और सनातन संस्कृति का विचार है, जिसको सभी लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकांत मानव दर्शन शब्द सुनने के बाद लगता है बहुत कठिन है, विचार जितना सरल रखना आवश्यक है उतना शब्द कठिन लगता है। 2014 में जब नई सरकार भारत आई तो लगने लगा विदेशियों के प्रति श्रद्धा का भाव खत्म होना चाहिए और देश के प्रति श्रद्धा का भाव आना चाहिए, और जिस तरह से पीएम मोदी ने कार्य किया है उससे निश्चित ही भारत का नाम पूरी दुनिया में हुआ है। उन्होंने कहा समाज को एक करने में पंडित दीनदयाल की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम सभी उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो उस समय उस सरकार ने सोचा कि
दिया एकात मानववाद मार्ग। जब उन्होंने एकात मानववाद मार्ग इसका नाम देंगे तो स्वाभाविक है कि भारत में नहीं होंगे तो पूंजीवादी साम्यवादी अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, चाइना से जो विचार चला उसको मानने वाले कुछ लोग भारत के अंदर भी होंगे। उनके विषय को लेकर ब्रह्मचारी चलाने का काम भारत में भी करते हैं। तो ऐसे लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि दीनदयाल जी के नाम से प्रधानमंत्री का निवास स्मारक नहीं हो सकता है। तब एकात मानववाद शब्द का जो अर्थ है उसके नाम से उस सड़क का नाम किया गया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावां, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण महा महोत्सव का कार्यक्रम का NXC भवन के सभागार में आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सदर सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सांसद रवि किशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा लगाए गए पोषक अनाज के प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा पोषक तत्व बना हुआ है जिसको मैंने स्वयं खाकर टेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो हम प्रतिदिन खाना खाते हैं वही हमारा पोषण है। हमारी संस्कृति में हमारे प्रतिदिन के भोजन के संबंध में वर्णन किया गया है, परंतु आज हम उससे विमुख हो रहे हैं, जबकि हमें सुबह, दोपहर और शाम में क्या खाना है उसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी है। हमारी संस्कृति से हमें समग्र रूप से अच्छे पोषण युक्त आहार के संबंध में जानकारी मिलती है। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को कहा कि ग्राउंड में रहकर अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज में अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करें और पोषण आहार की सूची बनाकर उसे अपनाएं। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस
संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ऐतिहासिक, बहुत सुंदर, हमने चेक भी किया है, मोटा अनाज खाओ, आप लोग भी खाओ, सब एकदम फिट रहोगे आप लोग, है ना, ये कैंसर नहीं होगा, आओ लो। ऐतिहासिक ऐतिहासिक और सबको आना चाहिए। रामगढ़ताल में चलने वाला 3 मंजिला क्रूज बनकर तैयार हो गया है, जिसके संबंध में क्रूज के मालिक राजकुमार राय ने बताया कि क्रूज का कार्य 100% पूरा हो चुका है, बहुत ही छोटा काम बाकी है जो पूरा नहीं हो पाया है, जो कि मौसम की वजह से पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि इस क्रूज में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जो कि समुद्र में भी चल सकेगा। इसमें शादी पार्टी, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन की पार्टी कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें रेस्टोरेंट की भी सुविधा रहेगी, जहां पर वेज व नॉनवेज सहित फास्ट फूड खाने में उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि क्रूज में पुरुष व महिला के लिए अलग अलग वॉशरूम भी रहेगा, जो कि 3 मंजिला क्रूज है, जिसको बनाने में पूरा 1 साल लगा है। इसके चलने से 45 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसको बनाने में 12 करोड़ खर्च हो चुके हैं, जिसका 1 सप्ताह में ट्रायल किया जाएगा और मुख्यमंत्री जल्द ही लोकार्पण करेंगे। पानी में उतरने के बाद कितना नहीं, सब पहले रखे हुए हैं, जैसे पानी में डालेंगे यही धीरे रखे, तो ये प्लाई उठा के इस पे कट के दिखे रखे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्रूज के मालिक राजकुमार राय, शेफ संजीव मारवा ने कहा, क्रूज का कार्य 100% पूरा हो चुका है, छोटे छोटे वर्क हैं जो पेंडिंग में हैं, जो वेदर के नाते फंस गए, नहीं तो अब तक कंप्लीट हो जाती है। क्रूज सर 150 आदमी की पैसेंजर वेसल है ये, जिसमें विथ क्रू मेंबर और खाने की रहेगी और सॉफ्ट ड्रिंक रहेंगे, इसमें हर तरह के कोल्ड ड्रिंक रहेंगे, बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था रहेगी, पब्लिक के भी लाइव सिंगिंग प्रोग्राम इसमें चलेंगे सर। सर कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1 साल लग गया सर इसको बनाने में। सर जो कर्मचारी थे यहीं के? हाँ, टोटल पूर्वांचल में बनी हुई है जहाज है, और गोरखपुर की बनी हुई जहाज है, और इधर की ही पूरा कर्मचारी भी है। तो देखा जाए एक तरह समझिए गोरखपुर वासी। हाँ, इससे पहले कलकत्ता और वेस्ट बंगाल और मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम, इन्हीं जगहों पे जहाँ पोर्ट होता है, सी होती है, वहीं जहाज बनती है। गोरखपुर में, उत्तर भारत में पहली बार गोरखपुर में जहाज बन रही है। तो मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे? जी, लोकार्पण उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, तो उनका आशीर्वाद है। हाँ बिल्कुल, रोजगार मिल रहा है सर। उत्तर भारत के लोग जो जाके अपनी कला का प्रदर्शन अन्यत्र प्रदेशों में करते थे, वह गोरखपुर में पहली बार हो रहा है, या मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है सर। इसमें सर लगभग हमारे टोटल 45 स्टाफ रहेंगे टोटल संचालन में, तो उनको रोजगार मिलेगा। कितना लग गया सर? 12 करोड़ लग गया हमारे सर। नाम? राजकुमार राय, मालिक है। संजीव मारवा। क्रूज में किस तरह की जिम्मेदारी आपको दी गई? मेरे को सारी किचन की दे रखी है, और जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे मेरी फैब्रिकेशन से हो रखे हैं, मेरी उससे जो भी डिज़ाइन वगैरह है। क्या क्या रहेगा इस पे? सारा स्टाफिंग वगैरह जो भी है वो सब मेरे ही रहेंगे, दिल्ली और गोरखपुर के दोनों के रहेंगे। मैं स्पेशली दिल्ली से ही हूँ, मैं सारी वहीं से ही टीम हैंडल करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। खाने में क्या क्या रहेगा? खाने में वेज और नॉन वेज दोनों रहेगा। फास्ट फूड वगैरह सब चीज़ रहेगा। सारी सुविधाएं रहेंगे, बार भी रहेगा इसमें, ड्रिंक्स वगैरह सब रहेंगे, मॉकटेल्स भी रहेंगे, सब रहेगा। नगर निगम के नए सदन भवन सभागार में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर डॉक्टर आशुतोष दुबे, प्रमुख अधीक्षक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने संबोधन में देश हित में और समाज में फार्मेसी के योगदान की सराहना की। साथ ही प्रवक्ताओं ने फार्मेसी क्षेत्र में हो रहे नित नए आविष्कारों के बारे में बताया, और चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में फार्मासिस्ट के योगदान पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष उमेश पांडे व संचालन डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के मंत्री ब्रिजेश गुप्ता ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, कार्यक्रम को मनाने के लिए सभी जिले के आदरणीय फार्मासिस्ट बंधु यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद हैं और जो दवा व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष और मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि फार्मासिस्ट एक ऐसा शब्द है जिसकी आवश्यकता अगर कही जाए समाज में तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल ये दवा निकाल के दे देने का कार्य है, ये एक मरीज को और डॉक्टर के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, ये लिंक होता है और सारी चीज़ों को अगर हो सकता है कि डॉक्टर अगर समया भाव के कारण अगर कहीं ना समझा पाया हो तो विस्तृत तौर पर उनकी जानकारी देते हैं और मरीज को आश्वस्त करते हैं कि जो है ये दवा उनके लिए फायदेमंद है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पेशेंट की काउंसलिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसके लिए दवा खाना इम्पॉर्टेंट है। तो दवा लेना और ये दोनों कार्य के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका ये निभाते हैं। आज के दिवस की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। बावरी फिरकी और फैशन कनेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को महानगर के एक निजी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में बावरी फिरकी कोलकाता से और गोरखपुर के फैशन कनेक्ट के साझेदारी में एक शानदार विवाह और जीवन शैली प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में फैशन कनेक्ट की संस्थापक खुशबू मोदी और स्नेहा जालान ने बताया कि हम इस उपक्रम पर सहयोग करके बहुत खुश हैं। प्रदर्शनी आपके त्योहारी खरीदारी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। गोरखपुर के लिए यह विवाह फैशन का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने का एक अद्वितीय अवसर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए फैशन कनेक्ट की संस्थापक खुशबू मोदी और स्नेहा जालान ने कहा, इस बार हम लोग गोरखपुर के लिए वेडिंग एडिट लेके आए हैं जिसमें विशेषकर की शादी का सीजन को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइनर्स को चुना है और आपकी शादी से रिलेटेड सारी शॉपिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो गिफ्टिंग हो या कपड़े हो या ज्वेलरी हो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कितने स्टॉल लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इस बार हमने 47 स्टॉल्स लगाए हैं एंड जयपुर,
कानपुर, लखनऊ, आगरा, बनारस, इन बरेली, आसाम, कैलकटा, सब जगह से लोग आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? स्नेहा जलान। मावली फिरकी और फैशन कनेक्ट इस बार 26 और 27 सितंबर को फिर रॉयल रेसिडेंसी में आ रहा है। इस बार हम पहली बार ला रहे हैं शादी से रिलेटेड सभी सामान, चाहे वो घर की सजावट हो, लहंगे हो, साड़ी हो, रियल ज्वेलरी हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, काफ़ी कुछ और नया आ रहा है। फुटवेयर ब्रांड्स आ रहे हैं, बेडशीट्स वगैरह, फर्निशिंग का सामान आ रहा है, तो आपके लिए और भी बहुत कुछ है, आप एक बार आके देखिएगा ज़रूर। जो लोग आएंगे उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नए स्टॉल लगाया जा रहा है? हाँ, इस बार हम लोग स्पेशली लेके आए हैं साउथ इंडियन से खुद आई हुई एक लेडी है सुधा करके, वो अपना स्टॉल लगा रही है। शेक शैक लगा रहे हैं जो आपके लिए मज़ेदार आइसक्रीम्स और शेक्स लेके आने वाले हैं। बच्चों के लिए क्या कुछ खास है? बच्चों के लिए बच्चों के कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, कुछ खिलौने भी है, आके आप देखेंगे तो आपको और पता चलेगा। आपका शुभ नाम? खुशबू। जोधपुर जिले में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद अब उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होनी है। इसके लिए पुलिस ने सक्रिय रूप से अपराध करने वाले 87 बदमाशों की सूची तैयार कर ली है। वहीं इसमें 15 बड़े बदमाशों के नाम भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, जिले में अपराध करने वालों की नकेल कसने के लिए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर को विशेष कार्रवाई अभियान चलाया है। इसके तहत जालसाजी, लूट, हत्या, चोरी जैसे जघन्य अपराध करने वाले बदमाशों को गिरोहबंद करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी की रिपोर्ट तैयार की और DM की संस्तुति के बाद कार्रवाई की, फिर जेल भेजा था। अब पुलिस अवैध कमाई से बनाए गए इमारत पर कार्रवाई की तैयारी में है। SSP ने सभी अफसरों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। SSP के निर्देश पर 87 ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है जिन्होंने अपराध से कमाई गई रकम से संपत्ति बनाई है। अब उनके अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर कार्रवाई होनी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, शासन के निर्देशानुसार लगातार जो आदतन अपराधी हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्री शीट खोलने का जो प्रक्रिया है, गुंडा एक्ट के तहत और विभिन्न अन्य कार्यों के तहत जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, 14(1) गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत उनकी संपत्ति जब्तीकरण के लिए भी लगातार निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में भी जो भी इस तरह के अपराधी गैंग बना करके आदतन अपराध से धन अर्जित करेंगे, उनको भी गैंगस्टर करेंगे। हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। तुम्हारा एक अश्लील वीडियो हमारे पास भेजा गया है, इसकी कंप्लेन हमारे पास आई है। तुम तत्काल मुझसे आकर मिलो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। भलाई चाहते हो तो जिस लड़की ने तुम्हारी शिकायत की है उससे बात करके मामला मैनेज कर लो, क्योंकि हमने जांच शुरू की तो तुम ही फंसोगे। ऐसे धमकी भरे फोन कॉल इन दोनों गोरखपुर में लोगों के पास आ रहे हैं। पुलिस की भाषा में ये सेक्सटॉर्शन है। इसके जरिए लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। कुछ तो डरकर ब्लैकमेलर को पैसे दे देते हैं, जबकि कुछ लोग साइबर सेल तक भी पहुंच रहे हैं। चिंता इसकी भी है कि ब्लैकमेलिंग के ऐसे मामलों में 90% से ज्यादा लोग पुलिस से संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए लोगों के मुताबिक सबसे पहले एक लड़की व्हाट्सएप पर मैसेज करती है। कुछ देर चैट करने के बाद वो वीडियो कॉल करने को कहती है। वीडियो कॉल करते ही उधर से प्री रिकॉर्डेड एक लड़की का अश्लील वीडियो चलने लगता है, जिसे लोग समझते हैं कि वो रियल लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ देर वीडियो कॉल के बाद फोन कट जाता है। अश्लील वीडियो बना के लड़की ब्लैकमेल करती है, फिर उसके बाद लड़की वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके उसके वीडियो या स्क्रीनशॉट भेजती है और पुलिस कंप्लेन करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती है। वह पैसों की डिमांड करती है और न देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देती है। अगर लोगों ने उस टाइम पैसे दे दिए तो ठीक, नहीं तो फिर लड़की धमकी देते हुए ब्लॉक कर देती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लोग अपना प्रोफाइल चेंज करके, मतलब अपने आप को कुछ और बता के, कभी क्राइम ब्रांच बता के, कभी अपने आप को जिसको कॉल करते हैं उसका रिश्तेदार बता करके और उनसे पैसों की मांग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसकी ID हैक कर ली, जैसे पहले होता था। अभी क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो उनके रिश्तेदार की आवाज़ बना करके उसमें बात करते हैं
और इस तरह से जो सामने वाला है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि ये रिश्तेदार बोल रहा है या कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है। तो ऐसे मामलों में मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि यदि आपके पास ऐसा कोई कॉल आए जिसमें आपके रिश्तेदार की आवाज़ हो और आपसे पैसे की डिमांड की जाए तो आप थोड़ा सतर्क रहें और जो रिश्तेदार का आपके पास नंबर है उस पर कॉल करके एक बार उसको वेरीफाई कर लें कि उसी रिश्तेदार ने आपसे पैसे मांगे हैं क्या उसको वाकई में हेल्प की जरूरत है या नहीं है। दूसरा ये जैसे एक सेक्सटॉर्शन का मामला है जिसमें कोई वीडियो कॉल करता है आपको और उधर से आप भी आपकी भी जो एक्टिविटी आप करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर उसके एवज में आपसे पैसे मांगते हैं उसको वार्ड करने की धमकी दे करके। एक ऐसा ही कुछ प्रकरण आए हैं जिसमें इस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है उधर से वो कोई पॉर्न वीडियो प्ले करते हैं और इधर से आपकी जो एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद आपको कॉल किया जाता है कि जो लड़की थी वीडियो में उसका वीडियो वायरल हो गया है और उसने सुसाइड कर लिया है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरह की तस्वीर वो आपके प्रेषित करते हैं कि आपको वाकई में लगता है कि वो लड़की ने सुसाइड कर लिया है और फिर उस मामले को मैनेज करने के लिए वो आपसे पैसों डिमांड करते हैं और क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता है इस चीज़ से ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आया आप तत्काल एसपी क्राइम ऑफिस साइबर सेल या साइबर थाने को कॉन्टैक्ट करिए, हम लोग आपकी सहायता करेंगे और जितनी जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हम केस को क्रैक कर पाएंगे और जो भी आपको धमकी दे रहा है या परेशान कर रहा है उस तक पहुंच पाएंगे। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। गोरखपुर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मरीजों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। शहर से लगाए गए गांव तक डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। शहर में नगर निगम द्वारा फॉगिंग करने के साथ साथ दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इस संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में 60 केस पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5-5 बेड व जिला चिकित्सालय में 20 बेड डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर में संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, डेंगू के अभी तक गोरखपुर के केसेस की संख्या करें तो हमारे पास लगभग 60 मरीज हैं डेंगू के, लेकिन सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अभी जिला अस्पताल में कुछ मरीज भर्ती हैं, उनका उपचार भी किया जा रहा है। इनके लिए जो भी शासन के निर्देश है, जो डेंगू के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार सबको उपचार दिया जा रहा है। जनपद के सभी चिकित्सकों को डेंगू प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5-5 बेड CSC पर रख दिया गया है और जिला अस्पताल में 15 बेड का वार्ड सर्च किया गया है। इसके अलावा हमने एक रिजर्व वार्ड जो है 50 बेड का जो है 100 बेडेड TB संयुक्त चिकित्सालय में भी बनाया गया है, लेकिन सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि डेंगू से बचाव ही इसका उपचार है। अपने घर के चारों तरफ साफ सफाई रखें, स्वच्छ जल कहीं पर भी एकत्र ना होने दें, गड्ढों को पाट दें, पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही करें, पूरी बांह का कपड़ा पहनें, शरीर के खुले भागों पर मच्छर रोधी क्रीम लगाएं, खिड़कियों के जाली लगवा करके रखें, सुबह और शाम अपने दरवाजे जो हैं बंद करके रखें,
घर के अंदर जो कबाड़ पड़े हों, छतों पर जो हों, जो पानी की टंकियाँ हों जिनके ढक्कन ना हों उनके ढक्कन लगा दें, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करें, घर में भी कहीं पर भी पानी एकत्र, चाहे गमला हो चाहे आपकी रेफ्रिजरेटर की हो, उसमें पानी नहीं एकत्र पहुँचे। अगर कोई अस्वस्थ होता है, तेज़ बुखार आता है जिससे खास करके बदन दर्द और अकड़न जैसा बुखार होता है, तो तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करें। गणेश चतुर्थी व बराउफात त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा समस्त थाना प्रभारी व बीट पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। वहीं त्योहारों में खलल डालने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए भ्रमणशील रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को, हल्का प्रभारी, चौकी प्रभारी और बीट प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर के पुलिस की प्रेजेंस और विजिबिलिटी बढ़ाएं। जहाँ जहाँ ये आयोजन होने हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभी से अपना ड्यूटी चार्ट तैयार कर लें। जो आयोजन करता है उनके साथ संपर्क में आकर के आयोजन के संबंध में सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लें। पारंपरिक रूप से जिस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं उसी तरह से इस बार भी मनाए जाएँ। कोई भी नई प्रथा, कोई भी नया रूट या कोई भी नया आयोजन इसमें अलाउ ना किया जाए। पीस कमेटी की बैठक सब जगह हो गई है और किस तरह से इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए उसके लिए सभी निर्देश जो है वो सभी जारी करें। सब जुलूस भी निकलेगी, कुछ अलग टीम भी लगाई जाएगी? देखिए, जुलूस के साथ साथ सभी जुलूसों के साथ पुलिस फोर्स रहेगी, अधिकारी क्षेत्र में रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी से भी उसकी निगरानी की जाएगी। कोई भी अराजक तत्व अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कठोर और सख्त कार्रवाई। गोरखपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की साहबगंज में प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल डीके सिंह ने एक व्यापारी के वहां छापेमारी की कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान पहुंचे वार्ड नंबर 61 के पार्षद शहाब अंसारी के साथ रविवार को प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल डीके सिंह ने अभद्रता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में प्रवर्तन दल के प्रभारी द्वारा एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ जिस लहजे में बात की जा रही थी उससे नाराज होकर आज पार्षदों ने नगर आयुक्त व महापौर से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पार्षदों ने नगर निगम में जमकर नारेबाजी की। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, उसके बाद पार्षद माने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है कुछ अपने मामलों को लेकर, कल एक जो वायरल वीडियो हो रहा था उस मामले को लेकर क्या जो है आपके तरफ आपको जानकारी मिली और क्या आश्वासन दिया गया, क्या कार्रवाई की आपने अभी तक? कल ही शाम को हमें जानकारी मिली थी और कल इस विषय में हमने नगर आयुक्त महोदय को निर्देश दिया था कि भाई इसका जो है एक सम्मानजनक निराकरण होना चाहिए, न कि जो है हमारे पार्षदों का अपमान होना चाहिए। इसी संदर्भ में आज पार्षद लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और नगर आयुक्त ने 2 दिन का समय मांगा है। तीसरे दिन अगर वो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी या उन्होंने क्षमा नहीं मांगा तो निश्चित तौर से हम सारे पार्षद अपना ये स्वतंत्र हैं और हम भी उनके साथ हैं।